डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम देखेंगे, स्टडी करेंगे किनशिप यूसेज, राइट शॉर्ट नोट ऑन किनशिप यूसेज। तो आज हम यही स्टडी करेंगे। नंबर एक है इसका रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस मीन्स टू किन्स नॉर्मली ऑफ अपोजिट सेक्स शुड अवॉइड ईच अदर। यानी इसमें क्या होता है, जो टू किन्स होंगे नॉर्मली अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट साइड ऑफ टू किन्स शुड नॉर्मली बी अवॉइड, दे शुड बी अवॉइडेड। यानी जो अपोजिट सेक्स के किन्स होंगे इनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं इकट्ठे होना चाहिए, दे शुड बी अवॉइडेड। एंड नंबर टू है जोकिंग रिलेशन। इट परमिट्स ए पर्सन टू मेक फन एंड टू टीज अदर। दीज रिलेशनशिप्स हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप intimacy and closeness among themselves। ये joking relation जो होती है इसमें क्या होता है, it permits a person to make fun and tease each other। इसमें से क्या होता है, joking ये एक दूसरे क्या क्या जब ये एक दूसरे के साथ joking करते हैं तो एक किस्म का fun बनता है, making fun and they also tease each other। Then it permits, ये permit देता है एक person to make a fun with each other, to tease each other। These relations help the individual to develop intimacy। Joking relation से एक person को help होता है to develop intimacy। इंटीमेसी उसकी डेवलप हो जाती है, इंटीमेसी डेवलपमेंट। एंड क्लोजनेस अमंग देमसेल्व्स, और इसके अलावा इनमें क्लोजनेस आ जाती है। ये जो जोकिंग रिलेशन होती है ये एक इंडिविजुअल को परमिशन देती है टू मेक फन एंड टू टीज ईच अदर। दिस लीड्स ए पर्सन टू डेवलप इंटीमेसी एंड closeness among themselves। And number three one is tachonomy। According to this usage, a kin is not referred to directly but is referred through another kin। इसमें से क्या होता है, एक kin जो होता है वो directly, he is not directly referred, उसकी इंट्रोडक्शन दूसरे की, बट इज रेफर्ड बाय अदर किन, थ्रू अदर किन। टेक्नोमी के जरिए जो एक किन होता है, एक रिलेटिव होता है, वो डायरेक्टली रेफर्ड नहीं होता है, बट अनेदर रिलेटिव रेफर्स हिम। एग्जाम्पल, राजू की ग्रैंड पापा एटसेट्रा। यानी हम कहते हैं ये फलानी का पापा है, ये फलानी की दादी है, ये फलानी की माँ है। यानी फलानी से ये जिस नाम से ये रेफर होते हैं इसी को हम टेक्नोमी कहते हैं। थैंक्स।